इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विथ थ्री एंगल। सबसे इम्पोर्टेंट एंगल की बात की जाती है तो इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट एंगल है, लेकिन पढ़ना हमें सारा पड़ेगा, है ना। ए और बी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सी इम्पोर्टेंट है। आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस से डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, प्रूफ भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ना, इसको इसको आप एक बार डी मान लीजिएगा, डी तो आपको नज़र आएगा साइन ए प्लस डी, और साइन ए प्लस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या लगाओगे, साइन ए कोस डी प्लस कोस ए साइन डी, और इस डी को वापस खोलोगे तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस सी प्लस कोस ए साइन बी प्लस सी। यहाँ तक आपके कोई समस्या है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, या हम फिर से खोलेंगे इसको कोस बी प्लस सी से फॉर्मूले से, कोस बी प्लस सी का फॉर्मूले से हो जाएगा कोस बी कोस सी, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन बी साइन सी। हाँ, इस फॉर्मूले को खोल दिया है मैंने, और इस फॉर्मूले को आप खोल चुके ही हो, है ना, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, रिजल्ट क्या है आपका ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, तो आपका रिजल्ट आप मेरे को मल्टीप्लाई करके तुरंत बताइएगा, मैं देख के ही लिखूँगा आपका। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना। हाँ हाँ बोलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दूंगा। यहाँ आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखिएगा, कोस बी कोस सी आएगा और साइन पहले से ही है तो ये बन जाएगा साइन ए कोस बी कोस सी, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए पहले से ही है और इसको वापस ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी साइन सी, तो ये हो जाएगा साइन बी साइन सी प्लस कोस ए पहले से ही आपके पास कोस ए, और इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा साइन बी कोस सी प्लस यहाँ कोस ए पहले से ही आपके पास, ये बन जाएगा कोस बी साइन सी। हाँ जी, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सी नंबर का इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, इसका भी फॉर्मूला देख ही लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। अरे अरे, डरने की ज़रूरी नहीं है, वैसे ही किया हमने इसको डी मान के, ना कैलकुलेशन वाला पार्ट हटाया है मैंने, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन वाला ही पार्ट हटाया है मैंने। हाँ, पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट हटाया है, कोई इसमें कोई समस्या ही नहीं है बेटा आपके। नहीं, कोई समस्या नहीं है आपके। ना 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 ना, ना। आप चाहो तो देख सकते हो, माइनस कोस, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिएगा फिर मैं लिखवा देता हूँ, कोस ए साइन बी साइन सी माइनस, अब यहाँ ले लीजिएगा कोस बी साइन ए और साइन सी, और ये ले लीजिएगा कोस सी साइन ए साइन बी। हाँ, ये याद रख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट की बात अब करते हैं हम। हाँ
जी इम्पोर्टेंट की बात अब करते हैं। अब हमारी बात आ गई है टेन ए प्लस टेन बी के बारे में, और टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वही फॉर्मूला है, आप चाहो तो लगा सकते हो लेकिन ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है। तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन ए टेन सी। हाँ जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे। हाँ जी इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आप तुरंत याद कीजिएगा एक मिनट में, अगर आपने देख लिया है तो मेरे को बोलिएगा कि यस देख लिए हैं, याद कर लिया है तो बोलिएगा यस याद कर लिया है। हाँ और जब आपने याद कर लिया है ना तो मैं आपके साथ एक चीज़ करना चाहूँगा। हाँ एक चीज़ इसको इरेज करना चाहूँगा और आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या होगा, है ना। अब मेरे साथ साथ बोलिएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन थी, इसको बोलते हैं सम करना, और सम को हम ऐसे लिख सकते हैं टेन ए, टेन ए का मतलब है बेटा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। हाँ ये समीशन आया है, इसका मतलब है ये तीन थ्री टाइम्स ओपन होगा, माइनस यहाँ माइनस, जब प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट टेन ए, टेन ए का मतलब है तीनों का प्रोडक्ट है, मैं खोल के बता दूंगा, वन माइनस टू टू का प्रोडक्ट है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे टेन ए और टेन बी। यहाँ अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो, इतनी सी चीज़ में मैं आपको दिखा दूंगा, इतनी सी चीज़ में, इतनी सी चीज़ में दिखा दूंगा। हाँ समीशन टेन ए की बात कर लेते हैं, ए की, और ए की जैसे है ए प्लस बी प्लस सी है तो ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस, क्योंकि समीशन है टेन बी प्लस टेन सी। अगर प्रोडक्ट है टेन के साथ या तो यहाँ, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ ए होना ही ज़रूरी है क्या, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है यार, टेन बी भी हो सकता है टेन सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ तक, बोलो आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन ए टेन बी और टेन सी। अगर दो दो का समीशन हो टेन ए टेन बी का तो वो हो जाएगा टेन ए टेन बी प्लस टेन सी बी और टेन सी प्लस टेन ए और टेन सी, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो टेन सी और टेन ए। हाँ जी इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब आईआईटी का ये सबसे प्यारा टॉपिक है बच्चे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस का। इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका कौन सा है, इतना सा बॉक्स में आ जाएगा आप, इतने से बॉक्स में ही इसको याद करेंगे, है ना। अब मेरे को देखिएगा एक बार किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, हम लिखेंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी। हाँ मेरे को इतना बता दीजिएगा, मैंने लाइन खींची है यहाँ कितने कितनों का प्रोडक्ट है, यहाँ समेशन है सबका, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम एस वन, मतलब एक एक का प्रोडक्ट होके सम हो रहा है ना। यहाँ वन माइनस, यहाँ कितना कितनों का प्रोडक्ट है, यहाँ टू का है तो यहाँ लिख देंगे एस टू। बोलो दो दो का प्रोडक्ट का सम, दो दो का प्रोडक्ट का सम, यहाँ देखो एक एक का प्रोडक्ट का सम है एक एक के, और यहाँ दो दो के प्रोडक्ट के सम, है ना। और अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ का तीन तीन का प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख देंगे
S3, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्मूला है IIT का, बहुत प्यारा टॉपिक है। मैं बोल दूँ आपका IIT का बहुत ही प्यारा टॉपिक है ना। IIT का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब यहाँ से कंडीशनिंग स्टार्ट होती है कि भाई किस किस तरीके से इसको ओपन किया जाएगा। पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको याद किस तरीके से रखा जाएगा। सर इनको लिख लिख के ही याद रखा जाएगा। हाँ, 10 वाला जो इम्पोर्टेंट है उसका ट्रिक हम बार बार देखेंगे, और इसके जो पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट है, जो इनका इम्पोर्टेंट नोट है, वो नोट को हम ध्यान में रखेंगे। वहाँ जेई मेन्स और जेई एडवांस में डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे भाई। हाँ जी, आप बोल सकते हो जो भी बातें आपको बोलनी है। इतनी ये 3 इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विथ 3 एंगल को आप देख चुके हो, और इसको आप कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में, 2 शब्द आपके मुंह से निकलना चाहता है, हाथों के थ्रू टाइप होना चाहता है, तो आप लिखिएगा। सारे बच्चों का एक बार मैं कमेंट देखूंगा, जो भी बच्चों के कोई डाउट है, यहाँ कोई भी समस्या आ रही है तो वो पूछ सकते हैं आप मेरे को। मैंने कोर्स, हाँ बेटा, कोर्स का मैंने इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि मैंने साइन का भी नहीं करवाना था। कोर्स का मैंने दिया है कि आप बी और सी को या किसी भी 2 को D मान लीजिएगा, फिर ओपन कर लीजिएगा, ऐसा कैसे ही आएगा। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपके। हाँ चलो, अब देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात छेड़ना चाहूँ तो ये वेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को स्किप मारो, और इसके जो नोट्स आने वाले हैं,